नमस्कार, मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम खड़े हैं जंतर मंतर पर। आज हमारे साथ हैं सूरज कुमार बोध जी। आज हमसे पूछना चाहेंगे कि कई जगहों से अफवाह आती है कि बाबा साहब भी आरएसएस की शाखा में गए थे। देखिए, ये गलत खबर है। सबसे पहले आपको शुक्रिया और जय भीम, आपके चैनल को धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद कि आपने एक बहुत क्रिएटिव सवाल किया है। मेरे ख्याल से अभी तक इस पर कोई बातचीत नहीं हुआ बहुजन नेताओं के बीच में और बहुजन तमाम पत्रकारिता के क्षेत्र में। बाबा साहब पर लंबे समय से सवाल किया जाता रहा कि बाबा साहब आरएसएस की शाखा में जाया करते थे। उसके लिए बताते हैं कि 1939 में बाबा साहब गए थे। अगर आप गूगल पर भी डालेंगे तमाम आर्टिकल्स मिल जाएंगे, और तमाम डिबेट में सवर लोग या मनुवादी लोग इसे लिखते रहते हैं, या आरएसएस के लोग ऐसा लिखते रहते हैं, आरटीसीएल के लोग ऐसा लिखते रहते हैं। पहली बात तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर बाबा साहब आरएसएस की शाखा में गए थे तो आप उसका कोई प्रमाण दिए हैं कि किस दिन गए थे आरएसएस की शाखा में, जाकर बाबा साहब क्या बोले थे और किससे बातचीत किए थे, उसका आपने प्रमाण कहाँ दिया है? और क्या बाबा साहब ने अपने वैल्यूम्स में या बाबा साहब के समय के किसी भी न्यूज़ अखबारों में आया हुआ है, क्या बाबा साहब उसको एक्सेप्ट किए हुए हैं? दरअसल गलत खबर है। मैं विद फैक्ट बात करता हूँ, प्रमाण के साथ बात करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर की जो राइटिंग एंड स्पीचेस की वैल्यूम्स है, उसकी वैल्यूम 9 एंड पेज नंबर 402, यानी वैल्यूम 9 पेज 402 में बाबा साहब ने स्पष्ट लिखा है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन विल नॉट अलाइन विद एनी रिएक्शनरी पार्टी लाइक हिंदू महासभा और आरएसएस। यानी कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी, वो हिंदू महासभा से या आरएसएस जैसे किसी भी रिएक्शनरी ऑर्गेनाइजेशन से कोई गठबंधन नहीं करेगी, कोई बातचीत नहीं करेगी। यानी बाबा साहब अपने वैल्यूम्स में इस बात को स्पष्ट लिखाए गए हैं कि आरएसएस से हमारी लड़ाई है और आरएसएस से हमारा कोई संबंध नहीं है। आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ ही बाबा साहब लड़ाई लड़े थे। जो लोग बाबा साहब जब 1924 में बाबा साहब समता सैनिक दल बनाते हैं, नागपुर को अपना कार्यालय बनाते हैं, बाबा साहब के मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए 1925 में इन्होंने आरएसएस बनाया और नागपुर को कार्यालय बनाया, तो ये लोग बाबा साहब के दुश्मन रहे हैं। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब का संविधान जलाए हैं। आरएसएस के पंचजन में तमाम आर्टिकल्स में बाबा साहब के संविधान को इन्होंने जलाने की बात को उसको गलत बताया है। तो ये लोग झूठ बोलते हैं। बाबा साहब अपने वैल्यूम्स में इस बात को लिख चुके हैं। मैं ऐसे गोबर गणेश बुद्धिजीवियों को, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, उनको मेरा सीधा चुनौती है, तुम लोग बाबा साहब को पढ़ो, उसके बाद तर्क पे और तथ्य पे बात करो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।